दोस्तों, हम यूट्यूबर्स चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें जनता को असली मुद्दे याद दिलाने की, मोदी जी हमेशा लास्ट मिनट में कामयाब हो जाते हैं जनता का माइंडसेट हिंदू मुस्लिम में बदलने में। दोस्तों, बिहार के इलेक्शंस आने वाले हैं और मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि वो अयोध्या की पूजा करने वाले हैं, और अपने ही दोस्त ओवैसी जी को अपने ही गोदी मीडिया चैनल में बिठा के खुद का विरोध करवा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, 2 दिन से गोदी मीडिया में ओवैसी जी और इम्तियाज जलील जम के विरोध कर रहे हैं अयोध्या की पूजा का। अब इस देश के 80% हिंदू भाई जब वो डिबेट्स देखेंगे, तब उनका माइंडसेट बनेगा कि भाई ये मुसलमान कैसे कट्टरवादी हैं। कोर्ट का फैसला भी आ गया अयोध्या का, अब भी ये राम की पूजा का विरोध कर रहे हैं। कितनी नफरत है इनके दिलों में राम के प्रति। 3 लाख मस्जिदें हैं इनकी भारत देश में, एक मस्जिद भी ये हमारे राम के लिए देने को तैयार नहीं है, जबकि सालों से चला आ रहा है ये मुद्दा। तो ये सोचकर मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो जाएगी हिंदू भाइयों के दिलों में। अब वो सारे मुद्दे भूल जाएंगे, चाहे पेट्रोल हो या गैस हो, मुसलमानों की नफरत में अब वो बीजेपी को वोट करेंगे। जबकि ओवैसी जी 2 MP को लेके 303 MP वाले की पूजा कभी भी नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी वो गोदी मीडिया में बैठ के आवाज उठाएंगे, क्योंकि हिंदू भाइयों का माइंडसेट असली मुद्दों से भटका के हिंदू मुस्लिम में चेंज करना है। अगर ओवैसी जी गोदी मीडिया में ना भी बैठेंगे, तो भी मोदी जी अपने किसी मुसलमान दोस्त को अपनी गोदी मीडिया में लाकर बिठाएंगे और अपना ही विरोध करवाएंगे। तो मैं सैल्यूट करता हूँ मोदी जी की इस कमाल की स्ट्रैटेजी की, कि जनता का माइंडसेट हिंदू मुस्लिम में बदलने में मोदी जी सबसे ज़्यादा कामयाब हुए हैं, और उनका साथ सबसे ज़्यादा ओवैसी जी ने दिया है। थैंक यू सो मच गाइस।